चिड़िया के दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू आज बहुत खुश थे। वो सुबह से ऊंचे पेड़ पर बैठे हुए थे। वो इंतजार कर रहे थे अपनी नानों का, क्योंकि आज उनकी नानों उनके पास आने वाली थी। फिर दूर से ही गुड़िया की नजर अपनी नानों पर जाती है और गुड़िया खुशी से उछलती है। नानो आ गई, नानो आ गई। चलो गुड़िया, नानो के पास जाते हैं। रुको भाई, नानो इधर ही तो आ रही हैं। उनकी नानो भी पहुंच जाती है। वो दोनों अपनी नानो के साथ लिपट जाती हैं। मैं अपने बच्चों के लिए देसी घी की बनी हुई मिठाई लाई हूँ। नानो चलो घर, मम्मा आपका इंतजार कर रही है। फिर वो सब घर में चले जाते हैं। माँ, बच्चे तो सुबह से ही आपकी राह देख रहे हैं। आप भी ऐसा ही किया करती थी बेटी, जब आपकी नानो आती थी तो सारा सारा दिन आप रास्ते में ही बैठी रहती थी। क्या मम्मा की नानो भी थी? तो और क्या, मेरी नानो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। बेटी, ये मिठाई देसी घी से बनी है, डिब्बा खोलो और बच्चों को मिठाई दो। फिर मम्मा चिड़िया मिठाई का डिब्बा खोलती है और अपने दोनों बच्चों को मिठाई दे देती है। मैं और लूंगा, एक लड्डू और दे मुझे मम्मा। ये लो, अब और ना मांगना, बस इतनी ही मिलेगी। बहुत स्वादिष्ट है मिठाई मम्मा, मैं तो पूरा डिब्बा ही खा सकता हूँ। नहीं बच्चों, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खा लेने से हम बीमार हो जाते हैं। रानो बेटी, घर में पानी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। नहीं माँ, मैं अभी नदी पर जाने ही वाली थी। तो फिर चलो, हम नदी से जाकर ही पानी पी लेते हैं। नानो नानो, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। कुकू बेटा, आप भी चलें, हम सब नदी पर जाते हैं। मगर कुकू की नज़र तो मिठाई के डिब्बे पर थी। नहीं मम्मा, मुझे प्यास नहीं है, आप जाएं। फिर गुड़िया, उसकी नानो और मम्मा नदी पर चली जाती हैं। अब मैं पूरा डिब्बा ही खा लूंगा मिठाई का। ऐसा कहते हुए कुकू मिठाई खाना शुरू करता है। वो मिठाई खाता ही जाता है, वो पूरा डिब्बा ही खाली कर देता है। बेटी, आपके जंगल की नदी का पानी बहुत मीठा है, हमारे जंगल की नदी में तो इंसानों ने गंदगी फैला दी है, अब हमारे जंगल का पानी कड़वा हो गया है। क्योंकि माँ, अभी तक इस नदी में गंदगी जो नहीं है। मम्मा, इंसान पानी को गंदा क्यों करते हैं? वो खुद भी तो पीते हैं पानी। हाँ बेटी, इंसान ना तो अपनी चिंता करता है और ना ही हम पक्षियों की। चलो माँ, अब घर चलते हैं। फिर वो सब वापस घर जाते हैं। आज नानो के साथ मैं लेटूंगी। नहीं, मैं लेटूंगा नानो के साथ। अच्छा अच्छा बच्चों, आप दोनों ही मेरे साथ लेट जाना। फिर गुड़िया और कुकू अपनी नानो के साथ लेट जाते हैं। अब तंग न करना अपनी नानो को, आपकी नानो थकी हुई है बच्चों। नानो, कोई कहानी सुनाए। तो सुनो, एक बार की बात है कि जंगल में एक कौवा रहता था, जो बहुत बुरा कौवा था। वो हमेशा दूसरों की चीजें छीन कर खा लेता। एक दिन वो कौवा जा रहा था कि ऐसे गुड़िया और कुकू कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। मम्मा चिड़िया और उनकी नानो भी सो जाती हैं। मगर जैसे ही आधी रात होती है, कुकू उठकर रोना शुरू कर देता है। मम्मा मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द है। कुकू के शोर से सारा परिवार उठ जाता है। ऐसा क्या खा लिया कुकू ने? कहाँ दर्द है बेटा? मम्मा, यहाँ
यहाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। रानो बेटी, डिब्बा तो देखो, कहीं कुकू ने सारी मिठाई तो नहीं खा ली। ये सुनकर कुकू डर जाता है कि अब सबको पता चल जाएगा कि उसने सारी ही मिठाई खा ली है। मम्मा चिड़िया जब डिब्बा खोलती है तो डिब्बा तो खाली था। बेटा, वही किया ना आपने जिससे मैंने आपको मना किया था। आपने तो सारी मिठाई ही खा ली है। मम्मा सॉरी, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। बेटी, इसे लीमू का रस दो, उससे इसके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। मगर माँ, घर में लीमू तो नहीं है। मैं अभी जाकर लीमू ले आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया आधी रात को अपने बेटे के लिए लीमू लेने जाती है। अंधेरा होने के कारण लीमू के पेड़ से कांटे भी मम्मा चिड़िया को चुभ जाते हैं, मगर मम्मा चिड़िया फिर भी लीमू तोड़ लेती है। कुकू तो बस रोए ही जा रहा था। भाई, आपकी वजह से सब परेशान हैं। आपने तो नानो को भी परेशान कर दिया है। गुड़िया बहन, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। मम्मा चिड़िया भी लीमू लेकर घर वापस पहुँच जाती है। मम्मा चिड़िया के सर से खून बह रहा था। मम्मा, खून? आपके सर से खून बह रहा है? मैं देखती हूँ बेटी, पहले कुकू को लीमू का रस तो दे दूँ। फिर मम्मा चिड़िया कुकू को लीमू का रस निकाल कर देती है। बेटी, आप ही अपने सर से खून साफ कर लें। लगता है लीमू के पेड़ से कांटा चुभ गया है। हाँ माँ, अंधेरा था ना, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। कुकू के पेट का दर्द अब कम हो गया था, मगर वो अपने सारे परिवार से बहुत शर्मिंदा था कि उसने आधी रात को सबको परेशान किया था। सो जाओ बच्चों, अब फिर ना ऐसा करना। ऐसे कुकू और गुड़िया फिर से सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को सोया हुआ देख रही थी। प्यारे दोस्तों, देखा, अगर कुकू ने अपनी मम्मा की बात मानकर ज्यादा मिठाई ना खाई होती तो उसके पेट में कभी दर्द ना होता। इसलिए हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। गुड़िया 2 दिन से अपनी मम्मा के साथ अपनी नानों के पास आई हुई थी और आज वो वापिस जाने वाली थी। अच्छा दोस्त, आज मैं वापिस जा रही हूँ, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। शायद जब आप दोबारा आओ तो मैं ना हूँ, क्योंकि तब तक मैं मर चुका हूँगा। अरे दोस्त, आप रो क्यों रहे हो? आप नहीं होंगे, मगर आपकी खुशबू तो इन हवाओं में हमेशा रहेगी। अपने दोस्त रोज से मिलने के बाद गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, बहुत देर कर दी आपने। चलो अब चलें। मम्मा, मैं अपने दोस्त रोज से मिलने चली गई थी। ये लो बेटी, इस पोटली में लड्डू हैं। अगर गुड़िया को रास्ते में भूख लगे तो ये लड्डू गुड़िया को दे देना। नानो, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। कुछ दिनों तक आपकी नानो आपसे मिलने आएगी, मेरी बेटी। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा उड़ती हैं। हवा चल रही थी और फिर हवा के साथ आसमान पर बादल भी गहरे हो जाते हैं। गुड़िया और उसकी मम्मा हवा से लड़ती हुई उड़ी जा रही थी और फिर जब वो घने जंगल के पास पहुंचती हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों माँ बेटी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती हैं। मम्मा, अब
हम घर कैसे जाएंगे? गुड़िया बेटी, ऐसी तेज बारिश में उड़ना हम पक्षियों के लिए ठीक नहीं होता। अब हमें यहाँ बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। बाकी का सफर हम बारिश रुकने के बाद ही करेंगे। वो इधर उधर देखती हैं और फिर उन्हें थोड़ी ही दूर एक घर नजर आता है। चलो गुड़िया, हम जाकर देखती हैं कि वो घर किस पक्षी का है। हम जब तक बारिश नहीं रुकती वहाँ ठहर जाते हैं। फिर वो माँ बेटी उस घर की तरफ जाती हैं। मम्मा चिड़िया घर के दरवाजे पर दस्तक देती है और फिर अंदर से एक कौवा बाहर निकलता है। बताइए, किससे मिलना है? मैं पहाड़ों वाले जंगल में जा रही थी कि रास्ते में बारिश शुरू हो गई। क्या आप थोड़ी देर मुझे अपने घर में रख लेंगे? हाँ चिड़िया, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। आप मेरे घर के अंदर आ जाएं। फिर वो कौवा चिड़िया को अपने घर में ले जाता है। ये आपकी बेटी है क्या? हाँ, ये मेरी बेटी है। मेरा नाम गुड़िया है। मेरी पत्नी भी 2 दिन से मैके गई हुई है। मैं आपको चाय तो जरूर बना कर पिलाता, मगर मुझे चाय बनाना नहीं आती। मेरे पास लड्डू हैं, अगर आप कहें तो मैं चाय बनाती हूँ और फिर हम चाय के साथ मीठे लड्डू खाएंगे। मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। रसोई में दूध भी है और शक्कर भी। आप चाय बनाएं, तब तक मैं गुड़िया से बातें करता हूँ। फिर मम्मा चिड़िया कालू कौवे की रसोई में चाय बनाने जाती है। गुड़िया बेटी, आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? अंकल, मुझे तो बारिश बहुत अच्छी लगती है, मगर आज मुझे बारिश अच्छी नहीं लगी क्योंकि हम अपने घर में नहीं थे ना, इसलिए। ये घर भी आपका अपना ही है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। मम्मा चिड़िया भी चाय लेकर आ जाती है। फिर गुड़िया पोटली से लड्डू निकालती है। ये लड्डू तो बेसन के हैं। मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। तो फिर आप खाइए, ये मेरी माँ ने दिए थे रास्ते में खाने के लिए। फिर वो चाय के साथ लड्डू खाते हैं। कौवे भैया, और कौन कौन होता है आपके घर में? ये सुनकर कौवा बहुत निराश हो जाता है। चिड़िया, अब तो मैं और मेरी पत्नी ही होते हैं, क्योंकि मेरा एक जवान बेटा था जो मर गया। बहुत बुरा हुआ कौवे भैया, जब किसी का जवान बेटा मर जाए तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। चिड़िया, मैं बहुत बुरा था, मैं हर किसी से लड़ाई करता था, शायद मुझे ये मेरे कर्मों की सजा मिली है। कैसे मरा था आपका बेटा? चिड़िया बहन, मेरे पास सब कुछ था, संतान थी, पत्नी थी और घर, मगर मैं फिर भी दूसरों के घरों में चोरियां करता था। एक रात मैं चील के घर से भोजन चोरी करने गया तो अपने बेटे को भी साथ ले गया और फिर मेरा बेटा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा रोने लग जाता है। कौवे भैया, बुराई को छोड़कर नेकी की तरफ आना बहुत मुश्किल काम है, मगर आपने ऐसा किया, अब जो हुआ आप उसे भूल जाएं, आपको नेकी का सिला जरूर मिलेगा और फिर से आपकी जिंदगी में खुशियां लौट कर आएंगी। रात होने को थी मगर बारिश और भी तेज हो गई थी। आप आज की रात मेरे घर में ही सो जाएं और फिर कल आप चली जाना। आपने मेरी मदद की, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा वो रात कालू कौवे के घर में ही गुजारती हैं। तेज बारिश में वो सुरक्षित थी और उन्हें कौवे ने ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो अपने घर से बाहर हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ऐसे ही हर कोई एक दूसरे की मदद करने लगे और मुसीबत में एक दूसरे का साथ दे तो शायद कोई भी इस दुनिया में परेशान ना हो। आपका धन्यवाद।